दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है। ईडी ने नवा समन जारी कर केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी अब तक केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है। ईडी की ओर से केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को, दूसरा समन 21 नवंबर 2023 को, तीसरा समन 3 जनवरी 2024 को, चौथा समन 18 जनवरी 2024 को, पांचवा समन 2 फरवरी 2024 को, छठा समन 19 फरवरी 2024 को, सातवा समन 26 फरवरी 2024 को, आठवा समन 4 मार्च 2024 को और नौवा समन 17 मार्च 2024 को भेजा गया है। अब डेस्परेशन हो रही है भारतीय जनता पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। वो अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रैलियां करेंगे अलग अलग राज्यों में तो भाजपा को नुकसान होगा।